हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर की समरी। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी समरी है, आइए शुरू करते हैं। इसमें जो राइटर है वो बता रहा है अपनी दादी माँ के बारे में। एक्चुअल में पोर्ट्रेट का मतलब एक चित्र होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो बताता अपनी दादी माँ के बारे में कि वो देखने में बहुत बूढ़ी लगती हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि आज से 20 साल पहले भी वो ऐसी ही थी और आज भी वैसी ही एडिटिव लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है उनकी दीवार पर जो है एक चित्र टंगा हुआ है जो उनके दादाजी का है। लोग बताते हैं कि उनकी दादी जी किसी जमाने में बहुत सुंदर रही थी, लेकिन वो कहता है उन पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि उनकी दादी जी सुंदर थी, ऐसा तो नहीं लगता है। उनकी शक्ल को देख के लगता है कि वो हमेशा ऐसी ही थी, और उनके जो दादाजी का फोटो था उस पर लगता था कि जो है बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा लगता था कि वो नाती पोते वाले तो थे, लेकिन लगता नहीं था कभी ये जवान रहे होंगे और कभी इनके भी लड़के या बीवी वगैरह रही होगी। तो ये सारी बातें वो बताता है। उसके बाद पता चलता है जो उसकी दादी माँ होती है उसके साथ में उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। वो लोग गांव में रहते होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसकी दादी माँ क्या करती हैं, डेली सुबह उसे उठाती हैं, जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो उसे तैयार करती हैं, फिर उसे एक बासी रोटी देती हैं जिसपे दही और चीनी वगैरह भी लगा के रखती हैं, ठीक है, वो आराम से खा लेता है। और उसकी दादी माँ हमेशा प्रार्थना करती रहती है क्योंकि बूढ़ी बहुत हो गई है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन क्या होता है वो बोलती है, होंठ उनके हिलते रहते नहीं, बूढ़े वाले लोग प्रार्थना करते तो प्रार्थना करती रहती हैं, ठीक है। फिर वो बताता है वो दादी माँ साथ में स्कूल जाती हैं, जब स्कूल जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते हैं मंदिर के बाहर, तो उनके लिए भी बासी रोटी लेके जाती हैं, ठीक है। फिर वो कहता है साथ साथ जाती स्कूल के पड़ोस में ही एक मंदिर भी होता है, तो मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं वो उसे वर्णमाला सिखाते हैं, प्रार्थना सिखाते हैं, और दादी माँ वहीं पर बैठ के धर्म ग्रंथ पढ़ती हैं। जब हम लोगों का काम पूरा हो जाता है तब हम अपने स्कूल से और दादी माँ वहाँ मंदिर से वापस आ जाती हैं। वापस लौटते समय मंदिर के गेट पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो उन कुत्तों को वो भाई बासी रोटी जो लेके गई होती हैं वो बासी रोटी भी खिलाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छी मस्त जिंदगी कट रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, जो उसके माता पिता होते हैं वो शहर में एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अब आप लोग भी यहाँ पर रहो, तो वो और उसकी दादी माँ जो है शहर में रहने चले जाते हैं। जब शहर में रहने चले जाते हैं तो उसका स्कूल में एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है। जब अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है वहाँ पे इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैथ वगैरह। तो जब वो लौट के आता है उससे पूछती है कि क्या पढ़ाया गया, तो वो बताता आज इंग्लिश पढ़ाई गई है। तो उसकी दादी थोड़ी सी दुखी होती है कि अब हम इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाँव में तो वो उसे बताती रहती थी ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा था, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पा रही थी वो। लेकिन फिर भी बातचीत चलती है उनकी। और एक दिन ऐसा आता है जब, हालांकि अब जो कुत्ते हैं उन्हें वो नहीं खिला सकती थी रोटी, तो वो क्या करती हैं उनके आंगन में कुछ चिड़िया आ जाती हैं, चिड़िया गौरैया टाइप, उन्हें वो दाना खिलाती हैं डेली, ठीक है। फिर क्या होता है एक दिन पता चलता है कि लेखक बहुत बड़ा हो गया है और उसे पढ़ने के लिए विदेश जाना है। अब उसकी दादी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो लेखक को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी होंगी, लेकिन वो दुखी तो नहीं, दुख नहीं दिखाती हैं, बल्कि वही प्रार्थना करती रहती हैं। इससे पहले का एक इंसिडेंट वो बताता है कि जब वो अपनी दादी माँ उससे पूछती हैं उससे कि एक्चुअल में आप इस समय क्या पढ़ रहे हो, तो बताता है इसकी शिक्षा मिल रही है, जो पश्चिमी शिक्षा है वो मिल रही है, संगीत सीखने को मिल रहा है। तो उसकी दादी माँ बड़ी गुस्सा हो जाती है टाइप, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो संगीत है वो भिखारियों के लिए, भिखारी बजा बजा के मांगते हैं, जो वैश्याएँ हैं वो नाचती हैं उनके लिए है, शरीफ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं, बस दुखी ही हो जाती हैं। और फाइनली वो दिन आता है जब उसे विदेश जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो वो कहता है जब उसकी मम्मी, उसकी जो दादी हैं वो आखिरी में यहाँ पे किस करती हैं, तो उसे लगता है कि ये आखिरी उनका फिजिकल जो टच है, क्योंकि दादी इतनी बीमार है, पता नहीं वो 5 साल बाद जब लौट के आएगा तो वो जिंदा होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो ये सोच के चला जाता है, दादी रोती नहीं है, बस प्रार्थना करती रहती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं। और अब उनके पास एक ही विकल्प था, पोता तो चला गया था, अब वो क्या करती हैं सिर्फ चिड़ियों को दाना खिलाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है जब वो 5 साल बाद लौट के आता है तो वो देखता है उसकी दादी अभी भी जिंदा है और बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी पिछली 20 सालों में दिख रही थी, तो काफ़ी खुश होता है, उनसे मिलता है। और इस समय भी वो अपनी खुशी नहीं व्यक्त करती हैं बल्कि सिर्फ प्रार्थना करती रहती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अंदर से घर सब लोग जाते हैं, जाने के बाद में क्या होता है उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, और बुखार आने के बाद हालांकि वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता होता है, तो बुखार आता है, सब लोग क्या करते हैं कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ, ये है वो है दुनिया भर की बातें, वो अपना माला लेती हैं और बस पढ़ती रहती हैं मंत्र जो भी उनका है वो जपती रहती हैं और बताती हैं कि अब मेरा अंत समय आ गया है और अब हमें केवल भगवान को याद करना है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, अपने होंठ उनके धीरे धीरे प्रार्थना करते रहते हैं और चारपाई पे ही उनकी सांसें वगैरह रुक जाती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि इनकी डेथ हो गई है। परंपरा के रीति रिवाज के अनुसार चारपाई से उठा के उन्हें नीचे रख दिया जाता है और एक लाल कफन उन्हें उड़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद
वहाँ पे जो चिड़ियाँ आती थी बहुत सारी, वो आज भी आई हुई थी, लेकिन चिड़ियों में एक अजीब तरीके का सन्नाटा था, कोई चहचहाट नहीं होती है। जो उसकी मम्मी होती है लेकर, कि वो रोटी लाती है जैसे दादी तोड़ के डालती थी, वो डालती है लेकिन कोई चिड़िया नहीं खाती है। उनकी जब अर्थी उठ के जाती है, वही लाल कपड़े में लिपटा हुआ कफन, जब अर्थी उठ के जाती है तो वो चिड़िया भी उनके साथ में उड़ जाती है, और अगले दिन जो झाड़ू लगाने वाला होता है उन रोटियों को सिर्फ झाड़ू लगा के ही ले जाता है, कोई चिड़िया कुछ नहीं खाती है। लेकर कहता बहुत ज़्यादा दुख लगता है, लेकिन उन चिड़ियों के लिए वो कर भी क्या सकता है। इस तरीके से आखिरी में उसकी दादी माँ ख़त्म हो जाती हैं और ये कहानी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो इसी नाम से, जिस नाम से ये चैनल है इसी नाम से एप्लीकेशन 21 तारीख को लॉन्च हो रही है। अगर आप 21 के बाद देख रहे हैं अच्छी बात है, 21 से पहले देख रहे हैं तो 21 को लॉन्च हो जाएगी, जहां पर आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे, पूरा कोर्स कायदे से प्रोवाइड हो जाएगा 21 तारीख के बाद। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।